यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपम् कर्मापि ते च मधुरं मधुरस्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विज्ञां प्रयच्छ परमं परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतं हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महाद्विजा शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्मनमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। नारायण। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वत वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओं, ऋक् यजुस्साम और अथर्व संज्ञक वेदों के परम तात्पर्य कमनीय वर्णीय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ही सिद्ध हैं। वे जगत के न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी हैं, अतएव समग्र जगत उनका उल्लास विलास और विवर्त ही सिद्ध होता है। भगवान ही वेदों के तात्पर्य हैं। इस विषय को हृदयंगम करने के लिए तेजो बिंदुपनिषद, वराहोपनिषद, अन्नपूर्णोपनिषद आदि के अनुसार चिंतन करने की आवश्यकता है। सबसे पहले ऐसी धारणा बनानी चाहिए कि जगत चिदाश्रित है, चित तत्व ही जगत का आश्रय सिद्ध होता है। इस धारणा के परिपुष्ट हो जाने के बाद फिर यह चिंतन करना चाहिए कि जगत चिद विलास है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, तुलसीदास जगचिद विलास को बूझत बूझत बूझे। यह जगत चित स्वरूप आत्मा का विलास है। इस राशि को बिरले व्यक्ति समझ पाते हैं, वे भी सहसा नहीं, बूझत बूझत बूझे, समझते 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 हैं। जगत को पहले भूतों का विलास समझना चाहिए। वेदांत प्रस्थान के अनुसार यह जगत पंचभूतों का विलास है, पांच भौतिक है। इस तथ्य को हृदयंगम करना चाहिए। फिर यह जगत माया का विलास है, क्योंकि माया का परिणाम है। इस तथ्य को आत्मसात करने के बाद फिर विचार करना चाहिए कि जगत चिद विलास। उसके बाद जगत चिद विवर्त है। त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद आदि का अनुशीलन करके जगत चिद विवर्त किस प्रकार है यह समझने की आवश्यकता है। जैसे रज्जु का विवर्त रज्जु सर्प है, वैसे ही चित्त स्वरूप ब्रह्मात्म तत्व का विवर्त नाम रूपात्मक जगत। उसके बाद जगत चिन्मय, फिर जगत चिन्ह मात्र है, अर्थात चित्त धातु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वाचारम्भणम विकारो नाम ध्येयम मृत्युके तेव सत्यम। श्री वैष्णव प्रस्थान में
जगत को चिदाश्रित माना जाता है, चिद विलास भी स्वीकार किया जाता है, चिन्मय भी स्वीकार किया जाता है और विशुद्धाद्वैत सिद्धांत के अनुसार चिन्मात्र भी मान लिया जाता है। केवल एक घाटी ऐसी है जिसको वैष्णव स्वीकार नहीं करते, वह है चिद विवर्त। परंतु समर्थ रामदास जी, ज्ञानेश्वर जी, तुलसीदास जी आदि जो वैष्णव प्रवर हैं, इन्होंने जगत को चिद विवर्त भी माना। इस दृष्टि से महाराष्ट्र भूमि का बहुत महत्व है, चाहे ज्ञानदेव जी, एकनाथ जी, समर्थ रामदास जी हुए हों, सबों ने आदि शंकराचार्य को अपना परम गुरु समझकर मंगलाचरण में उनको स्थान दिया, उन्हें नमस्कार किया। फिर जगत के स्वरूप का, भक्ति के स्वरूप का प्रतिपादन किया। महाराष्ट्र भूमि में भक्ति का प्रकल्प कुछ और ढंग का है, उसमें भगवतपाल शंकराचार्य के प्रति आस्थान्वित किया गया है, अन्यत्र उनके प्रति कुछ विकृत भाव को व्यक्त करके फिर भक्ति का निरूपण किया गया है। इतना अंतर है, लेकिन अंततोगत्वा जगत चिदाश्रित है, चिद विलास है, चिन्मय है, चिन्मात्र है। इसको लेकर विशुद्धाद्वैत सिद्धांत में और केवलाद्वैत सिद्धांत में किसी प्रकार का विज्ञान नहीं है। इसीलिए सर्वे वेदा यत् पद्मामनंति आदि कठोपनिषद ने कहा, भगवान का वचन है गीता में, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्या। अहम के साथ एव का योग बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात आपातता यदि परिलक्षित होता है कि सच्चिदानंद स्वरूप भगवत तत्व के अतिरिक्त भी वेदों का कोई प्रतिपाद्य है, तो यह भ्रम ही है। उस भ्रम को या इस भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है। समग्र क्रिया कारक फल के रूप में भगवत तत्व ही उल्लसित है। बृहदारण्यक उपनिषद ने जगत को नाम रूप बताया है, नाम रूपात्मक यह जगत। जब जगत को नाम रूपात्मक कहते हैं तो रूप का अर्थ पदार्थ होता है, नाम का अर्थ पद होता है। पद माने शब्द, रूप का अर्थ केवल नेत्र का विषय ही नहीं होता, इसलिए नाम रूपात्मक जगत है। ऐसा कहने पर पद और पदार्थ। अब नाम क्या है तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया, चिदानंद स्वरूप भगवान की अभिव्यक्ति का नाम ही नाम है। नाम कोई पृथक पदार्थ नहीं है, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, चिदानंद प्रधान उनकी अभिव्यक्ति नाम है। क्योंकि नाम के द्वारा नामी का अधिगम होता है, इसलिए नाम चित प्रधान है। चिदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति नाम है। और रूप क्या है, सदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति। और दार्शनिक धरातल पर व्यावर्त्य के भेद से भगवान को सत चित आनंद कहा जाता है। भगवान शंकराचार्य जी ने हर लक्षण को पूर्ण माना, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, सत्यम ब्रह्म अपने आप में पूर्ण लक्षण है, ज्ञानम ब्रह्म अपने आप में पूर्ण लक्षण है, आनंदम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म अपने आप में पूर्ण लक्षण है। व्यावर्त्य जगत अनित्य अचित दुखप्रद परिलक्षित होता है, उसके व्यावर्तन की भावना से सत्यम ज्ञानम और आनंदम या आनंद पद का प्रयोग किया गया है। वस्तुतः जो सत्य है वही चित है, वही आनंद स्वरूप है। इस दृष्टि से विचार करने पर जगत नाम रूपात्मक है, तो नाम का पर्यवसान चित पदार्थ है,
चित धातु है, रूप का पर्यवसान सदानंद तत्व है। इस प्रकार से जगत का आलंबन लेकर सुगमता पूर्वक ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है। फिर इसकी अधिक व्याख्या करने का भाव नहीं है। क्रियाकारक फलात्मक जगत है, भोक्तृ भोग्य रूप जगत है। जगत को अनेक रूपों में भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने उपनिषदों के आधार पर व्यक्त किया है। अब आगे चलें तो वेदांत कृत भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने बताया, भगवान वेदांत के कर्ता हैं। ऐसा ही अगर अभिप्राय मान लेंगे तो वेद पौर से सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए वेदांतार्थ संप्रदाय कृत अर्थ करना चाहिए। वेदांत के अर्थ को ज्ञापन के लिए जो संप्रदाय उसके कर्ता भगवान हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूरयः, यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम आदि वचनों के अनुसार भगवान वेदांत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। श्री ब्रह्मा जी को उपदेश देते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की परंपरा में प्रवृत्ति और निवृत्ति परक संतों को वेदार्थ का अधिगम होता है। अब यहाँ पर वेदांत और वेद में क्या अंतर है? वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्या में वेद शब्द का प्रयोग किया गया, वेदांत कृत में वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया। वेदों का जो शिरोभाग है उसी का नाम वेदांत है। वेदांत का अर्थ होता उपनिषद, वेदों का शिरोभाग। जैसे यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं, उनमें जो 40वां अंतिम अध्याय है वह वेदांत है, उसका नाम उपनिषद है। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने ईशावास्य उपनिषद पर भाष्य लिखा तो एक मार्मिक तथ्य व्यक्त किया। ईशावास्यम इत्यादि जो मंत्र हैं उपनिषद हैं, वेदों के शिरोभाग वेदांत हैं। क्यों? कर्मों में विनियुक्त नहीं है उपनिषद। क्यों? वेदों का कोई अंश उपनिषद, कोई अंश केवल वेद, विभाजक रेखा क्या है? तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कर्मों में अविनियुक्त हैं ईशावास्यम इत्यादि मंत्र, इसीलिए इनका नाम उपनिषद। उसके बाद उन्होंने पूर्व पक्ष स्थापित किया, कुछ स्थल वेदों में ऐसे हैं जहाँ पर मंत्रों के विनियोग का वचन नहीं है, तो फल बल कल्प्य लेकिन कर्म कांड का प्रकरण प्राप्त है। तो अपनी ओर से आचार्य उस कर्म में मंत्र का विनियोग मान लेते हैं। इसका उत्तर दिया गया कि ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों के द्वारा जिस स्तर के आत्म तत्व का विज्ञान होता है, अधिगम होता है, उस स्तर का आत्म तत्व कर्मों में विनियुक्त नहीं हो सकता। जब हम आत्मा को निर्गुण निर्धर्मक सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन अकर्ता अभोक्ता समझेंगे तो उस आत्म तत्व से कर्मों का संपादन नहीं होगा। तो जिस स्तर के आत्म तत्व का ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों के माध्यम से निरूपण किया गया है उस स्तर का आत्म तत्व कर्मों में विनियुक्त नहीं हो सकता। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृति बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। श्रीमद्भगवद्गीता के 18वें अध्याय का यह वचन है। कुछ लोग अर्थ करते हैं जिनको वेदांत का परंपरा से विज्ञान नहीं है, पांच हेतुओं में एक हेतु आत्मा है।
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधास्य पृथक श्रेष्ठा दैवं चैवात्र पंचमं। जैसे कोई व्यापार प्रारंभ करे उसमें पांच व्यक्ति सम्मिलित हो, एक व्यक्ति कह सकता है कि मैं एक पार्टनर हूँ, भागीदार हूँ। इसी प्रकार कुछ व्यक्ति इसका अर्थ करते हैं पांच हेतुओं में कर्ता के रूप में आत्मा भी एक हेतु है, ऐसा अर्थ नहीं है। आगे कहा तत्रैव वंशति कर्तारम आत्मानम केवलम तु यः पश्यति कृत बुद्धित्वा न स पश्यति दुर्मति। शुद्ध जो आत्म तत्व है उसको कर्ता मानने वाले दुर्मति, भगवान ने गाली दे दी, 108 गालियां दी हैं भगवान। मंगलाचरण बहुत है गीता में, 574 श्लोक भगवान के श्रीमुख से निगदित हैं, 84 श्लोक अर्जुन के हैं, एक श्लोक धृतराष्ट्र का, संजय के 45। इस प्रकार गीता में 700 श्लोक हैं, उसमें भगवान ने बहुत मंगलाचरण किया। ये पचन्ति आत्म कारणात् वहाँ भी कह दिया, भुंजते थे त्वघम पापा कह दिया, वो पापी हैं अव्वल दर्जे के, जो केवल पेट भरने के लिए भोजन बनाते हैं और करते हैं, वहाँ भी मंगलाचरण किया। इसका मतलब है दुर्मति भगवान ने कहा, अर्थात पांचों हेतुओं में विशुद्ध आत्म तत्व एक भी हेतु नहीं है, यह कहा। इसका अर्थ यह है कि कर्तृत्व आत्मा में औपाधिक है, स्वतः सिद्ध नहीं है, आध्यासिक। ब्रह्मसूत्र में कर्तृधिकरणम है, उसमें इस तथ्य को प्रकाशित किया गया कि वास्तव में आत्मा में कर्तृत्व आध्यासिक औपाधिक। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध के 23वें अध्याय का भिक्षु गीतम का अध्ययन करना चाहिए। देहस्त्वचित पुरुषोयम सुपर्णः नहि कर्म मूलम्। श्लोक जो कहे गए उसका अन्वित अर्थ इस प्रकार है, देहस्त्वचित पुरुषोयम सुपर्णः नहि कर्म मूलम्। देह तो अचित है, देहेन्द्रिय प्राणांतःकरण सब अचित हैं, पुरुष सुपर्ण है, आत्मतत्व अविक्रिय विज्ञान घन है, न तो देहेन्द्रिय प्राणांतःकरण से कर्म की सिद्धि हो सकती है, अचित है ये। बुद्धिपूर्वक कर्तृत्व इनमें संभव नहीं है। ब्रह्मसूत्र में बहुत शास्त्रार्थ है, या किनारा अब गिरना ही चाहता है, या छड़ी अब तुम पर बरसना ही चाहती है, यह ओदन अब पचना ही चाहता है। तो जड़ वस्तुओं में जो कर्तृत्व होता है वो गौण होता है, आरोपित होता है। इसी प्रकार संख्यों का त्रिगुणात्मक प्रधान ही अगर जगत करता हो तो ईक्षण पूर्वक व्यवस्थित कर्तृत्व का निर्वाह उसके द्वारा नहीं होगा, सृष्टि की व्यवस्थित संरचना उसके द्वारा नहीं होती हो सकेगी। इस दृष्टि से विचार करने पर गौण कर्तृत्व अचित पदार्थ में है। तो कहा देहस्त्वचित पुरुषोयम सुपर्ण, पुरुष का अर्थ है पुरुषायनात् पूर्णत्वाद व ब्रह्मात्म तत्व। पूर्णत्वाद व जब कहेंगे तो ब्रह्म का ग्रहण हो गया, पुरुषायनात् कहेंगे तो प्रत्यगात्मा का वर्णन हो गया, पुरुष कहने पर ही ब्रह्मात्म तत्व की सिद्धि हो जाती है। पुरुषोयम सुपर्ण, यह जो आत्म तत्व है वह सुपर्ण है, सुपर्ण का अर्थ होता है अविक्रिय विज्ञान घन है। न तो आत्मा से कर्म की सिद्धि संभव है, न देहेन्द्रियादि से, क्योंकि हिताहित बुद्धि संपन्न हो और विकारी हो वह कर्ता हो सकता है। गीता प्रेस से जो अनुवाद प्रकाशित है एकादश स्कंध में, पूज्यपाद महाराज श्री का ही अनुवाद है, उसमें लिखा गया है हिताहित बुद्धि संपन्न और विकारी हो। संख्यों के यहाँ कर्तृत्व विक्रिया है, विकार है, भोक्तृत्व उनके यहाँ विक्रिया या विकार नहीं। संख्यों के प्रस्थान में कर्तृत्व प्रकृति निष्ठ है,
या व्यष्टि में बुद्धि निष्ठ है। कर्तृत्व विक्रिया या विकार है, भोक्तृत्व विकार नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कहा गया उपलब्धित्व का नाम भोक्तृत्व है। जैसे सूर्य हैं अपने स्थान पर ज्यों के त्यों हैं, प्रकाश से वस्तुएं उनके सानिध्य मात्र से प्रकाशित हो जाती हैं, तो सविता में या सूर्य में प्रकाशन क्रिया का कर्तृत्व सिद्ध नहीं है। तो सांख्यों के यहाँ भोक्तृत्व विक्रिया या विकार नहीं है, कर्तृत्व विकार। बहुत भयंकर विसंगति सांख्यों के यहाँ है, कर्ता कोई और भोक्ता कोई और, यह तो व्यवहार के द्वारा भी निरस्त है। इसीलिए कर्तृधिकरणम आदि में इसका निराश किया गया कि ऐसा तो संभव नहीं, लौकिक न्याय के भी विरुद्ध है, कर्ता कोई और भोक्ता कोई और। इसीलिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया भोक्तृत्व भी कर्तृत्व है, बुद्धिक क्रिया का कर्तृत्व होता है भोक्तृत्व, भोक्तृत्व वैयाकरणों के अनुसार। जिसको हम भोक्ता कहते हैं, विवक्षावसात एक ही वस्तु को कहीं कर्ता कहीं भोक्ता कहते हैं, भोक्ता भी कर्ता ही होता है। बुद्धिक क्रिया का कर्तृत्व जो है उसका नाम होगा भोक्तृत्व, तो भोक्ता भी कर्ता ही सिद्ध होता है। इसीलिए दोनों को औपाधिक मानना चाहिए, कर्तृत्व भी वेदांत प्रस्थान में औपाधिक है, भोक्तृत्व भी औपाधिक है। कर्तृत्व औपाधिक है, इसमें वचन कौन होगा, यही गीता का अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक श्रेष्ठा दैवं चैवात्र पंचमं। अब भोक्तृत्व औपाधिक है, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तृत्याहुर मनीषिणा कठोपनिषद, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तृत्याहुर मनीषिणा। यहाँ भी अर्थ करने में आचार्यों में भेद है। वाचस्पत मिश्र भामतीकार जी ने ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य की टीका में आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तृत्याहु इसका अर्थ अलग किया, आत्मा खींच लिया, अलग कर दिया। उसके बाद क्या बच गया, इंद्रिय मनोयुक्तम आत्मा भोक्ता, यूँ कर दिया। आत्म तत्व भोक्ता है, केवल आत्म तत्व भोक्ता नहीं है, इंद्रिय मन से युक्त, इंद्रिय और मनोयुक्त जो आत्म तत्व है वह भोक्ता है। शंकराचार्य महाभाग ने यहाँ पर आत्मा का शरीर किया, देहेन्द्रिय प्राणांतःकरण को लेकर आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तृत्याहुर मनीषिणा, दोनों आचार्यों के अर्थ में कुछ भेद हो गया। वाचस्पत मिश्र जी ने कहा कि आत्मा का ध्याहार करना ही पड़ेगा, तो आत्मा शब्द पराई हुआ है, लेकिन शंकराचार्य महाभाग ने यहाँ आत्मा का अर्थ प्रसंग के अनुसार दे किया। तो देहेन्द्रिय मनोयुक्त जो प्रकरण प्राप्त आत्म तत्व है वह भोक्ता है, क्योंकि अधिष्ठानम तथा कर्ता जब कहेंगे तो अधिष्ठान कर तो देह मानना पड़ेगा ना। तो गीता को लक्ष्य में रखकर भगवान शंकराचार्य जी ने शरीर अर्थ किया, आत्मा का प्रसंग के अनुकूल है। न्यायम वा विपरीतम वा, जहाँ गीता में कहा गया 18वें अध्याय में, वहाँ भी शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा या मन के द्वारा जो भी कर्म आरंभ किए जाते हैं उनके 5 हेतु होते हैं, वहाँ भी शरीर पद बना पड़ा हुआ है। इसलिए 1000 पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया जाए तो भी शंकराचार्य जी ने जो लिख दिया उसको डगमगा पाना बहुत कठिन है। अपने ही संप्रदाय के श्री मधुसूदन सरस्वती जी महान भाव आदि जो भी विचारक हैं, जहाँ कहीं एक शब्द के अर्थ में भी उन्होंने अपने चातुर्य का उपयोग किया पृथक से, वहाँ बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करने पर उनका चातुर्य निरस्त हो जाता है। व्याकरण की दृष्टि से वाचस्पत मिश्र जी का अर्थ बिल्कुल ठीक है, अध्यारोप भी नहीं करना पड़ता है, आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता बिल्कुल है, मनीषिणा आहु बिल्कुल ठीक। शंकराचार्य जी ने प्रसंग प्राप्त जो आत्मा है उसका अर्थ शरीर किया, तो देहेन्द्रिय मनोयुक्त जो प्रकरण प्राप्त आत्म तत्व है वह
क्या है, भोक्ता है, अर्थ एक ही हो गया। अर्थ में कोई भेद नहीं है, लेकिन अंतर ये पड़ गया, भगवान शंकराचार्य जो अर्थ कर रहे थे उसमें गीता के 18वें अध्याय का उनके मस्तिष्क पर दृश्य था, उसके साथ संगति बैठाते हुए उन्होंने अर्थ किया। भामतीकार जी ने व्याकरण के बल पर अर्थ तो किया, लेकिन अर्थ के समय गीता के 18वें अध्याय का ध्यान नहीं रखा। अर्थ दोनों दोषहीन है, लेकिन अंतर पर गया। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कर्तृत्व भी वेदांतियों के यहाँ औपाधिक और भोक्तृत्व भी वेदांतियों के यहाँ औपाधिक, अर्थात विशुद्ध आत्म तत्व न कर्ता है न भोक्ता है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य महाभाग ने कहा ईशावास्यम इत्यादि जो मंत्र हैं ये उपनिषद हैं, 39 अध्याय तक कर्म और उपासना में प्रयुक्त और विनियुक्त मंत्र हैं, 40वां अध्याय में जो ईशावास्यम यहाँ से मंत्र प्रारंभ है, इनका नाम उपनिषद है, क्योंकि ये कर्मों में वचन के बल पर विनियुक्त नहीं है और प्रकरण के बल पर विनियुक्त होने योग्य नहीं है, अतः दोनों हेतुओं से इनका नाम उपनिषद है, इसी को कहते वेदांत। एक मनोरम तथ्य है, कहीं कहीं प्रकरण में पड़ा हुआ वचन अपना सीमित अर्थ देता है, प्रकरण से उठा लीजिए तो बहुत बलवान हो जाता है। जैसे सदा तद्भाव भाविता भगवद गीता का वचन है, प्रकरण के बीच में उसका उतना विस्तृत अर्थ नहीं है, लेकिन मांडुक्य कारिकाकार श्री गौड़पादाचार्य महाभाग ने समस्त वैतथ्य प्रकरण को इसी के बल पर गुम्फित किया। मूल उपनिषद के 12 मंत्र तो थे ही, लेकिन गौड़पादाचार्य जी के हृदय में सदा तद्भाव भाविता यह वचन गूंज रहा था, तो अपने प्रकरण से उठते ही इसका अर्थ बहुत विस्तृत हो जाता है, प्रकरण के बीच में इसका अर्थ कुछ सीमित होता है, ये भी होता है। इस दृष्टि से हम कहते हैं ऋग्वेद में 7 मंत्र हैं, नासदी सूक्तम जिनको कहा गया, उस पर अपने यहाँ से सायण भाष्य की टीका और हमारे पूज्य गुरुदेव का जो भाष्य है उसका अनुवाद, सायण भाष्य का अनुवाद भी और पूज्य गुरुदेव का भाष्य भी अंत में परिशिष्ट में रखा, उसकी व्याख्या भी यहाँ से प्रकाशित अपने मठ। अगर मेरा कोई नाम ना लेता, मैं तो निमित्त हूँ, तो मैं उसकी प्रशंसा जरूर करता। वो जो नासदी सूक्तम पर जो लिखा गया है, अगर मुझे लोग उसका अनुवादक मानते हैं इसलिए मैं चुप हूँ, अगर तटस्थ दृष्टि से देखूँ तो भगवत कृपा से अद्भुत व्याख्या बन गई नासदी सूक्तम पर। तो हमने ये संकेत किया, आज का पूरा विश्व वेदों में सृष्टि विज्ञान इस पर जब विचार करता है तो ऋग्वेद का नाम तो सबसे पहले लेना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऋग्वेद की महिमा लगभग 15 पृष्ठों में गाया, ये भारत को क्या हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वेदों को मान्यता दी है और ऋग्वेद का यशोगान किया है और कहा है कि सबसे प्राचीन रचना अगर विश्व में कोई है तो ऋग्वेद है। संयुक्त राष्ट्र संघ वेदों का यशोगान कर सकता है और भारत में उसके लिए शासन तंत्र के पास कोई स्थान नहीं है। ये कहाँ ले जाएंगे राष्ट्र, उस पर मैं बोलूँगा तो दिशाहीनता हो जाएगी। लेकिन ये जो 7 मंत्र हैं ये उपनिषद नहीं, तो बहुत विचित्र बात हो गई। इनका जो प्रतिपाद्य विषय है बहुत उत्कृष्ट है। सृष्टि संरचना पर अगर कोई विचार करेगा तो ऋग्वेद में नासदी सूक्तम के जो 7 मंत्र हैं इनको तो लेना ही पड़ेगा। प्रश्न उठता है कि इनका अर्थ इतना विस्तृत, लेकिन इनका नाम उपनिषद क्यों नहीं। तो उससे पहले ही मंत्र है कि ये अमुक कर्म में मंत्र विनियुक्त है, विनियोजक मंत्र पड़ा हुआ है। ये जो 7 मंत्र नासदी सूक्तम के हैं उससे पहले विनियोग इनका अमुक कर्म में है, कर्मों में विनियुक्त हो जाने के कारण बहुत उच्च कोटि के अर्थ को अभिव्यंजक होते हुए भी इन मंत्रों की उपनिषद संज्ञा नहीं है, यह एक जानने की बात।
स्तर इनका बहुत ऊंचा है। सृष्टि रचना का स्वरूप जिस ढंग से प्रतिपादित किया, इनमें योग्यता है कि ये उपनिषद हो सके, लेकिन बात वही है कि विनियोग करने वाला वचन विद्यमान। यहाँ पर ईशावास्यम इत्यादि का नाम वेदांत या उपनिषद क्यों है? विनियोग करने वाले वचन यहाँ प्राप्त नहीं है, और जिस स्तर के आत्म तत्व का अपहत पापमा इत्यादि वर्णन है, उस स्तर का आत्म तत्व वास्तव में कर्मों में प्रयुक्त और विनियुक्त नहीं हो सकता। तो वेदांत का अर्थ प्राय दूसरे ढंग से लोग लेते हैं, इसलिए इतना खोल कर कहना पड़ा। वेदांत संप्रदाय का कर्ता भगवान ही है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को उपदेश प्राप्त होता है, फिर सनकादि निवृत्ति परायण महर्षियों को प्राप्त होता है, इधर मरीचि इत्यादि को कर्मकांड परक वेद प्राप्त होते हैं। ये जो वेदांत के आचार्य हैं, ये मुख्य रूप से निवृत्ति परायण सनकादि सिद्ध होते हैं, और कर्मोपासना के आचार्य में मरीचि इत्यादि आते हैं। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने भगवत गीता के भाष्य में प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग, सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा का विभाग पूर्वक वर्णन किया, उसमें दोनों के आचार्यों का भी विभाग किया। एक सनकादि की परंपरा है, एक मरीचि इत्यादि की परंपरा है, तो एक ज्ञान निष्ठा है, तो एक कर्म निष्ठा है। लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा को ध्यान में रखकर भगवान शंकराचार्य महाभाग ने भाष्य का प्रारंभ किया। यह अर्थ हुआ वेदांत के। अब वेद विदेव चाहम, यही आगे है ना, वेद वेत्ता भी मैं ही हूँ। यहाँ एव नहीं है, पहले से एव का कर्षण कर लेंगे। वेदों का, वेदों के द्वारा वेदितव्य भी भगवान ही है, वेदों के वेत्ता भी एकमात्र भगवान है, क्योंकि औरों में अगर वेद विज्ञान जाता है तो उन्हीं की परंपरा से। इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। वेद विदेव चाम एक भी है ही, वेद विदेव चाम ब्रह्मा जी को मान लें वेद वेत्ता, उसमें कठिनाई होगी। ब्रह्मा जी नहीं है, ये नहीं, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सूक्ष्म भाव। ब्रह्मा जी जब जीव सिद्ध होते हैं, जीव के रूप में जब ब्रह्मा जी का चित्रण होता है, तब उनका नाम हिरण्यगर्भ होता है, वो कार्योपाधिक होते हैं। जब कार्योपाधिक होते हैं तब इस पर विचार करना चाहिए। शुक रहस्योपनिषद के अनुसार, त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद के अनुसार और त्रिपुरा तापनी उपनिषद के अनुसार कार्योपाधिर अयम जीव, कारणोपाधिर ईश्वर। ब्रह्मा जी भी कार्योपाधिक चित पदार्थ हैं। अब एक नियम है कि कारणोपाधिक हुए बिना कार्योपाधिक होना संभव नहीं, कारण के कार्य में अनुगति होती है। इस दृष्टि से जिसको हम कार्योपाधिक कहते हैं वो तो कारणोपाधिक है ही। जैसे केवल स्थूल शरीर से युक्त हम होंगे तो वैश्वानर या विश्व या विराट हमारी संज्ञा कैसे होगी? ऊपर तो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर भी मानना ही पड़ेगा ना, व्यष्टि समष्टि। जब कारण के साथ एक उपाधि और जुड़ गई, मोटा उदाहरण, किसी ने बनियान या गंजी पहन लिया, उसके बाद किसी ने कमीज या कुर्ता पहन लिया, उसके बाद किसी ने स्वेटर पहन लिया या कोट पहन लिया, तो अंदर क्या है? कमीज है ही, उसके अंदर क्या है? बनियान है ही। इसी प्रकार जब हम विराट का चित्रण करते हैं, यहाँ भूल हो जाती है, लोग समझते हैं कि केवल स्थूलोपाधि, संभव नहीं। स्थूल तो उपाधि अतिरिक्त जुड़ गए ना, सूक्ष्मोपाधिक था तो उसमें स्थूल पदार्थ और जुड़ गए, तो कारणोपाधिक हुआ, उसके बाद सूक्ष्मोपाधिक और हो गया, और कारणोपाधिक सूक्ष्मोपाधिक जो था वह स्थूलोपाधिक भी हो गया। लेकिन जब कहते कार्योपाधि रयम जीव, तब तादात्म्यापत्ति को लेकर कहते। विद्यमानता अलग चीज है, तादात्म्यापत्ति अलग चीज है। जब कोई व्यक्ति देह को लेकर अहंता ममता करता है तो इंद्रिय अंतःकरण
प्राण और आत्मा की विद्यमानता तो रहती है, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ है? उसकी दृष्टि देह को लेकर अहंता ममता को व्यक्त करने वाली है। इसी प्रकार से कोई इंद्रिय को लेकर मैं दृष्टा हूँ, श्रोता हूँ, इस प्रकार बोलता है, वक्ता हूँ, ग्राहता हूँ, रसयिता हूँ, एक एक इंद्रिय को लेकर एक एक ध्वनि प्रकट हुई, रसनेन्द्रिय को लेकर रसयिता हूँ, नासिका इंद्रिय को लेकर ग्राहता हूँ, श्रोत्र इंद्रिय को लेकर श्रोता हूँ, वाक इंद्रिय को लेकर वक्ता हूँ, नेत्र इंद्रिय की प्रधानता से दृष्टा हूँ, इस प्रकार से। तब क्या वह अंतःकरणोपाधिक नहीं रहता है? रहता तो है, तादात्म्यापत्ति कहाँ है यह देखने की बात। जो कार्योपाधिक जीव होंगे, ब्रह्मा जी से लेकर हम लोग हैं, और ये जो तरुलता गुल्म इत्यादि स्थावर प्राणी हैं, ये सब हम हो गए कार्योपाधिक। अब जिसकी तादात्म्यापत्ति कार्य को लेकर ही है, उसके दृष्टि का साक्षात विषय कारण नहीं बन सकता। अनुमान आदि के द्वारा, प्रज्ञा की प्रगल्भता के द्वारा, अब इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, हम लोग पंचभूतात्मक शरीर है विवेक के द्वारा जानते हैं, लेकिन हमारी तादात्म्यापत्ति कर्मोपासना के फलस्वरूप जो वासना प्राप्त है, पूर्व पूर्व कर्मोपासना के फलस्वरूप जो हमको वासना प्राप्त है, वो शरीर को लेकर है या पंचभूत को लेकर है? कल हमने कहा ना शाम को 72 से, तो मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ, और दो ही श्रोता, कल उनका नाम भूल गया था, श्री अभेदानंद जी और श्री कैवल्यानंद जी, 72 से तो श्रोता यही हमारे दो, 72 से बाकी तो ये सब तो विद्यार्थी थे, उसमें खेलते कूदते थे, श्री गोविंदानंद जी उस समय आए नहीं थे, महेशानंद जी बम्बई आदि का यात्रा करते थे, वो दूसरे रूप में थे। सबसे पुराने श्रोता 72 से तो श्री अभेदानंद जी, श्री कैवल्यानंद जी हैं, ये सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं कहना क्या चाहता, 72 से तो यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ, और 72 से ही पढ़ाना शुरू किया था, और वहाँ 22 साल से पढ़ा रहा हूँ, अभी तो 30 पढ़ने वाले आ गए थे 6 प्रांत, ठीक है, निमसारण में भी पढ़ाता था, लेकिन हुआ क्या, अभी कमजोरी क्या है, अभी पूरे देश में क्रांति स्वस्थ आती क्यों नहीं, इसलिए नहीं आती कि समष्टि से तादात्म्यापत्ति है ही नहीं, तो कहाँ वेदना होगी समष्टि को लेकर, कुछ भी विकृति हो जाओ, वो तो धन मान प्राण परिजन जिसके जो है बाबाओं के चेले चेली, बाबा तो भगवान हो जाते हैं, दो चार कलेक्टर आदि चेले चेली के रूप में आ जाए, फिर हमारे शिष्य हैं महानंद जी, सुना है 10 साल से हमें दर्शन नहीं हुआ, समझ गए, मतलब उनको दर्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दो कलेक्टर आदि चेले बन गए, मर गए, बाबा तो मर जाते हैं आप लोगों को छोड़कर, चेले चेली कुछ नामी गामी मिल गए, बाबाओं का तो जीवन कृतार्थ हो जाता प्राय, कैवल्यानंद जी सब के तो कोई चेले चेली कुछ है ही नहीं, वो सब तो बहुत ऊँचे है, वज्रानंद जी के कुछ नहीं, बस आहार तक सीमा है, वो भी सीमित। तो मैंने एक संकेत किया, अभी कमी क्या हुई, जब परतंत्र भारत था, स्खलन का इतिहास भी जानना चाहिए, जब परतंत्र भारत था तब क्या हुआ, हमारे कर्मकांड उस समय विलुप्त नहीं थे, परतंत्र रहने पर भी कर्मकांड का विलोप नहीं था, कर्मकांड समष्टि चिंतन में शिथिलता थी, समष्टि से तादात्म्यापत्ति, तर्पण में, संध्या वंदन में, यज्ञ में, सब में तो समष्टि से तादात्म्यापत्ति, समष्टि से तादात्म्यापत्ति का चिंतन शिथिल हो गया था, लेकिन संध्या वंदन, तर्पण, श्राद्ध, अग्निहोत्र, ये कर्मकांड का विलोप नहीं हुआ था, तो समष्टि से व्यक्ति का जीवन जुड़ा हुआ था, तादात्म्यापत्ति में शिथिलता था। स्वतंत्रता के बाद क्या हुए, कर्मकांड का जो विलोप हो गया, और विशेषकर वेदांतियों ने इतनी निंदा की कर्मकांड की, भगवान शंकराचार्य ने तो निंदा नहीं की, बद्रीनाथ की स्थापना किसने की, भगवान शंकराचार्य ने, श्री जगन्नाथ जी की स्थापना फिर से किसने की, भगवान शंकराचार्य ने,
द्वारकानाथ जी की, फिर से किसने स्थापना की, शंकराचार्य जी ने। कर्मकांड जो लुप्त हो रहा था बौद्धों के शासनकाल में, उसको उद्दीप्त फिर से किसने किया, शंकराचार्य जी को। बौद्धों के चपेट में जो वर्णाश्रम व्यवस्था हमारी शिथिल पड़ रही थी, उसको फिर से किन्होंने उद्दीप्त किया, शंकराचार्य जी ने। अरे कर्मकांडी रहेंगे, उपासक रहेंगे, तब तो ज्ञान का मार्ग प्रशस्त होगा। इधर तो क्या हुआ, ग्रह ग्रहित पुनिवात वश तैपिन बीछी मार, ताहि पियायो वारुणी कहो का उपचार। संविधान इस देश का होगा क्या, बुरा न माने, लोकतंत्र हमारा नहीं, सिद्धांत हम कहना चाहते संविधान। कई जगह पुतले उतले हमारे जला दिए जाते हैं, संविधान का नाम लो, एक वर्ग समझता है कि हमारी आलोचना, बड़ी विकट बात है। 100 से ज्यादा संशोधन हो गए, लेकिन कोई वर्ग समझता है कि संविधान कोई एक व्यक्ति की देन है, तो बहुत विकट आजकल स्थिति है। संविधान हमारा अपना, अपनी संस्कृति के अनुरूप हमको संविधान नहीं, लोकतंत्र प्राप्त नहीं, शिक्षा पद्धति नहीं, रक्षा की प्रणाली नहीं, जीविका की प्रणाली नहीं, व्यापार तंत्र नहीं, सेवा का प्रकल्प नहीं। कहाँ से भारत आ जाएगा, बबूल का पेड़ बोकर अमरूद का, आम का, अंगूर का फल चाहेंगे। मेरा जूता है जापानी पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी शोभे, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, कहते रहो कहाँ से लाओगे दिल हिंदुस्तानी। अभी ये जो स्वतंत्र भारत में क्या हुआ, कर्मकांड भी लुप्त हो गया, समष्टि चिंतन और समष्टि के लिए विनियोग कर्मों का जीवन का दोनों लुप्त हो गया। अब वेदांत खूब सुन लो, समष्टि से तादात्म्य पत्ति होती नहीं, मैंने केवल संकेत किया। क्यों नहीं स्वस्थ क्रांति आती, और क्यों ये सुनने वाले किसी काम के नहीं होते, आप लोगों को छोड़कर, इनको तो कुछ भी राष्ट्र विपत्ति आ जाए कुछ व्यापता ही नहीं। मतलब सुखदेव जी को भले ही व्याप जाए, भगवान सुखदेव जी को, सनकादि को व्याप जाए, इनको व्यापना नहीं है, क्योंकि समष्टि से तादात्म्यापत्ति और जीवन में कर्मकांड नहीं है जो उनको, न संध्या है, न तर्पण है, न अग्निहोत्र है, न श्राद्ध है। तो इसका मतलब समष्टि से जोड़ने वाला कोई आयाम रह नहीं गया। अब वेदांत वहां उलेरते रहो तो घोर देहात्मवादी हो जाते हैं। इसलिए इन श्रोताओं से कोई स्वस्थ क्रांति आएगी, ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि विचित्र बात है, एक कटोरी में सारा संसार ला के डाल दो कैसा होगा। अंदर से देहात्मवाद की पराकाष्ठा और बाहर से हम ब्रह्मास्मि का रट, इससे कुछ नहीं होने वाला, क्रांति क्यों नहीं आती। समष्टि से तादात्म्यापत्ति, समष्टि के पोषण में जीवन के उपयोग की विधा दोनों लुप्त हो गई। पहले तादात्म्यापत्ति का विलोप हुआ, शिथिलता आई, लेकिन समष्टि के पोषण में जीवन का उपयोग और विनियोग बना रहा। उदाहरण देता हूँ, पीपल अश्वत्थ का जो वृक्ष है, ऑक्सीजन छोड़ता रहता है, दिव्य पवन को छोड़ता रहता है, उसे भले इसका ज्ञान ना हो, पीपल को नहीं ज्ञान होगा, स्थावर प्राणी है, लेकिन उसके जीवन का प्रयोग और विनियोग, उपयोग और विनियोग तो समष्टि हित में होता है। गाय को भले ही मालूम ना हो कि ऑक्सीजन छोड़ती है, लेकिन वो तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती, ऑक्सीजन ही छोड़ती है, उसके द्वारा समष्टि के हित में तो उसके जीवन का प्रयोग होता ही है। ऐसे परतंत्र भारत में भले ही समष्टि से तादात्म्यापत्ति शिथिल हो गई हो, लुप्त तो नहीं हुई थी, शिथिल हो गई हो, लेकिन कर्मकांड उपासना कांड से जीवन युक्त था, इसलिए व्यक्ति के जीवन का उपयोग और विनियोग समष्टि में हो जाता था। अब ये स्वतंत्र भारत में क्या हुआ, वो कर्मकांड भी लुप्त, उपासना कांड भी विलुप्त, और समष्टि से तादात्म्यापत्ति का चिंतन भी विलुप्त। अब घोर देहात्मवादी हो गए, अब उसमें कहाँ से ब्रह्म ज्ञान उतर जाए। इसीलिए हम जो निरूपण कर रहे थे कि उपनिषद के बाद भगवान शंकराचार्य महाराज ने कहा कि विनियोग, इन मंत्रों का विनियोग, तो कार्योपाधिरयम जीवा की बात कह रहे थे ब्रह्मा जी, हम अपनी बात कह रहे थे, हम लोग जानते तो हैं कि शरीर पांच भौतिक है, बाह्य जगत पांच भौतिक है, लेकिन अभी कोई खतरा आवे तो सबको लेकर भगेंगे या अकेले भगने का प्रयास करेंगे। समस्त शरीरों में तादात्म्यापत्ति कहाँ है, चिंतन के बल पर हम सबके शरीर को भौतिक पांच भौतिक समझते हैं,
लेकिन वो जो ब्रह्मा जी हैं तो एक बहुत बढ़िया श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, सात वित्तस्ति वित्ता। ब्रह्मा जी का जो श्री विग्रह है उन्होंने स्वयं बताया, श्रीमद् भागवत दसवां स्कंद चौदहवां अध्याय, भगवान की स्तुति करते हुए अपने परिमाण से मैं साढ़े तीन हाथ का हूँ। अब ब्रह्मा जी जो साढ़े तीन हाथ के हैं वो ब्रह्मा जी क्या हो गए, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड उनका शरीर है या नहीं। इसलिए तंत्र शास्त्र में आता है भगवान शिव जब क्रीड़ा करते हैं कंदुक फुटबॉल बॉल के समान, एक ब्रह्मांड को यों लिया वो लिया, इसका मतलब क्या है, अनंत कोटि ब्रह्मांड या हजारों ब्रह्मांड से उनकी तादात्म्य आपत्ति उनके लिए वो, लेकिन हमको आपको चिंतन के बल पर हम शरीर को पांच भौतिक समझ सकते हैं, लेकिन जन्मजात कर्मोपासना के बल पर हमारी तादात्म्य आपत्ति तो व्यस्त शरीर को लेकर है। इसलिए कोई आघात आने पर भवन सहित भगने का प्रयास करेंगे तो भी नहीं भग सकेंगे इस शरीर को लेकर, लेकिन इसमें भी जो मन के द्वारा समष्टि से तादात्म्यपन्न होते हैं उनके जीवन में एकता होती है। सूर्य की और नेत्र की एक रूपता का जो चिंतन करेगा उसके जीवन में दिव्यता आएगी, चंद्रमा और मन की एक रूपता का चिंतन करेगा उसके जीवन में दिव्यता आएगी। इस पर एक बहुत अच्छा उदाहरण है, पुरुष सूक्त का ले लीजिए, चंद्रमा मन सो जाता, भगवान के मन चंद्रमा है और भगवान के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुए, दोनों का अर्थ एक ही। अभी हमने किसी ग्रंथ में अधिदैव पर लिखा है, क्योंकि ब्राह्मणों से मुखमासित पदभ्याम शूद्रो अजायत, अब दोनों में अंतर है, वो विराट पुरुष या हिरण्यगर्भ के ब्राह्मण मुख, उधर कहा कि पांव से शूद्र उत्पन्न हुए, तो फिर दो ढंग से अर्थ करना पड़ेगा, विराट पुरुष के जो चरण हैं वो शूद्र हैं एक अर्थ, और विराट पुरुष के चरण से शूद्रों की उत्पत्ति हुई, ऐसे वहां भी अजायता को ले जाएंगे तो विराट पुरुष का मुख जो है ब्राह्मण और विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, दोनों अर्थ करेंगे तब ठीक से लगेगा। अब आकाश पाताल का अंतर हो गया, चंद्रमा मन सो जाता, ये जो विराट पुरुष या हिरण्यगर्भ ले लीजिए उनके मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, हमारे मन के अधिदैव चंद्रमा है, हमारा मन और भगवान के मन में अंतर हुआ है नहीं आकाश पाताल का, इधर ध्यान देना चाहिए ना। सावधान बाईस पसरी, भगवान के मन से चंद्रमा, भगवान भी कौन, हिरण्यगर्भात्मक भगवान, कार्योपाधिक भगवान, अमना भगवान कारणोपाधिक अंतर्यामी के पास तो मन होते ही नहीं, वह माया है। पंचदशी के अनुसार हमारा आपका संकल्प होगा मनोवृत्ति रूप, भगवान का संकल्प होगा मायावृत्ति रूप, हमारे आपके पास मन होगा, भगवान के पास माया होगी, तभी सृष्टि को किसने कहा एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने, विद्धि माया मनोमयम, जीव सृष्टि की दृष्टि से सृष्टि यह क्या है, मनोमय, भगवान के द्वारा सृष्ट होने के कारण माया में, तो हम जो व्यवहार करते हैं दो प्रकार की मयता है, विद्धि माया मनोमयम, तो भगवान ही वेदों के वेत्ता हैं, ये कैसे समझें, समय हो गया, तो हमने कहा कि ब्रह्मा जी हैं। अब ब्रह्मा जी के लिए कठिनाई क्या, जो कठिनाई मेरे लिए है आपके लिए, हम इस शरीर को पांच भौतिक समझ सकते हैं, मन के द्वारा धारणा कर सकते हैं कि हम समष्टि वैश्वानर हैं हिरण्यगर्भ हैं, तयोर व्यष्टि समष्टिता पंचदशी का प्रथम प्रकरण, लेकिन फिर भी तादात्म्यपत्ति पूर्व पूर्व कर्मोपासना के अनुसार हमारी इसी में बनी रहे। अब ब्रह्मा जी कार्योपाधिक हैं, वहाँ कारण रूप उपाधि की विद्यमानता होने पर भी उनकी तादात्म्यपत्ति किसके साथ, इसका उदाहरण बहुत बढ़िया, हमारा आपका शरीर है ना, इसमें कितने अंतःकरण होंगे, करोड़ों, हम ये जितने जीवाणु हैं क्या रक्त इत्यादि में, उन सब के पास उनका मन, इंद्रियां, उनके अंतःकरण, उनके प्राण, अब लेकिन मेरी तादात्म्यपत्ति, मैं जो मान बैठा हूँ कि मेरा शरीर, मेरी तादात्म्यपत्ति सब अंतःकरण के साथ है क्या, एक अंतःकरण,
वो जो इस शरीर में रक्त में कोई कृमि है उसकी तादात्म्य पत्ति हमारे अंतःकरण के साथ है क्या? सबकी सृष्टि अलग अलग है। इसी शरीर में निवास करने वाले जो हजारों प्राणी हैं उनकी तादात्म्य पत्ति हमारे जिस अंतःकरण में हमारी तादात्म्य पत्ति है उस अंतःकरण उनकी नहीं है, जिस अंतःकरण में उनकी तादात्म्य पत्ति है उस अंतःकरण में हमारी नहीं है। अब स्वप्नावस्था में तेजस की दृष्टि से सबके अंतःकरण हमारे अंतःकरण होते हैं या नहीं? लेकिन जब हम अपने को एक स्वप्न के एक कोने में अमुक के रूप में मानते हैं सदा तद्भाव भाविता, उस समय कहाँ भान होता है कि पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक्काल जितने ये स्थावर जंगम प्राणी हैं सब मेरे ही शरीर हैं। होते तो हैं लेकिन एक शरीर में तादात्म्य पत्ति होती है। तो ब्रह्मा जी भी वेदों के पूर्ण ज्ञाता कैसे होंगे? कारण पर उनके दृष्टि जाएगी तब तो धारणा करेंगे, अनुमान के द्वारा कारण का बोध प्राप्त करेंगे। लेकिन वो भगवान जो होंगे कारणोपाधिक उनकी तो तादात्म्य पत्ति सीधे कारण को लेकर होगी। इसलिए प्रश्न उठता है कि भले ही समुद्र की कोई लहर है वो तो कार्य है, लेकिन समुद्र का अंत पाना चाहे तो उसको विलीन या समर्पण के अतिरिक्त कोई नहीं। यहाँ पर भक्ति प्रस्थान प्रबल है। अगर समुद्र की जो लहर है तरंग माला है वो समुद्र को मापना चाहे था पाना चाहे तो विलय के अलावा कुछ नहीं, या तो बुद्धि के द्वारा सोचे या विलीन हो। अग्नि की चिंगारी अग्नि के था पता लेना चाहे तो या तो अग्नि से तादात्म्य पत्ति बोध के बल पर करे अगर वो चेतन हो, नहीं तो विलीन हो, तीसरा कोई मार्ग नहीं है। इसी प्रकार से हमारी आपकी स्थिति है, हम जैसे अनुमान के द्वारा हिरण्यगर्भ की उपाधि में तादात्म्यापत्ति कर सकते हैं, विराट पुरुष के शरीर में तादात्म्यापत्ति कर सकते हैं धारणा के द्वारा, लेकिन पूर्व कर्मोपासना हमारे इतनी शिथिल है कि हम केवल हमारी स्वाभाविक ही निसर्ग सिद्ध अहम बुद्धि इसी शरीर को लेकर होगी। कोई विपत्ति आपत्ति आने पर इसी को लेकर वो है ना इनका सब इनके बड़े भाई तो काशी में जो जीर्ण शीर्ण मठ है वहाँ पर सोए हुए थे एक भवन कमरे में लोग, वहाँ पर पंखे से आग निकली, चार पांच सोए हुए थे, बहुत हंसाता हरे कृष्ण। उसको दैवयोग से नींद खुली, उसने सोचा कि मर जाएंगे, वो आग टपक रही है, वो भगा। फिर हमको आके सुनाया, महाराज सब तो सोए हुए थे, मैंने किसी को नहीं जगाया क्योंकि मेरे ऊपर विपत्ति आई। फिर उसके बाद दूर जाकर सुरक्षित रहकर हमने कहा भटो भजो भगो जगो जगो आग गर्म बरस रही है। बहुत विनोदी ढंग से कहता है, वैसे हुआ ना, अब विपत्ति आई हम तो आम ब्रह्मास्त्र रट लगाए रख, विपत्ति आएगी तो गोविंदानंद जी को छोड़ के। वो अलग बात है कि तादात्म्य पत्ति में व्यक्ति माँ जल के मर जाना चाहती है बेटे को बचाने के चपेट में, यहाँ तक कि संदूक को बचाने बक्से को बचाने के लिए व्यक्ति अपने शरीर को भी होम देता, वो सब अलग बात है। इसका नाम अभिस्वंग, अशक्ति रनभिस्वंग, अनभिस्वंग निषेध मुख से है, मूल शब्द है अभिस्वंग। अभिस्वंग का अर्थ होता है अहंता ममतास्पद में अहंता जुड़ जाना। ये जीवत्व तो क्या है, इदमतास्पद को ममतास्पद बना लेना, ममतास्पद को अहंतास्पद बना लेना, और फिर अहमतास्पद का ममतास्पद हो जाना, ममतास्पद का इदमतास्पद हो जाना, ये चक्र चलता रहे। इस पर ध्यान जाता है क्या? यमुना जी को नमस्कार, किनारे गए, यमुना जी इदम है, इदम धारा, एक लोटा पानी लिया। अब लोटे में जो ममता है उस ममते की थैली में जो यमुना जी आ गए, अब मेरा यमुना जल, अब तो लड़ना भी हो सकता है, तुमने क्यों दिया, क्यों किया है, पानी क्यों लुढ़का दिया, मेरा जल हो गया ना। अब इदम को हमने बना लिया मम, पी लिया हो गया हम। अब मूत्र क्यों कहें, पसीने आदि के रूप में कुछ अंश निकल गया वो हो गया फिर मम, और वो गंदे नाला में मिल करके मान लीजिए कुछ अंश चला गया दूर वो हो गया फिर इदम। ये सृष्टि चलती है ना, हम लोग क्या करते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्वा
इदमतास्पद को देखते देखते ममतास्पद बना लेते हैं और ममतास्पद को देखते देखते अहमतास्पद बना लेते हैं, फिर भी अहमतास्पद बना के अधिक समय तक रख नहीं सकते, उसमें से कुछ अंश मम बन जाता है। अपने मलमूत्र के प्रति उतनी विकृत भावना नहीं होती जितने कि दूसरे के प्रति, उसमें भी राग होता है, अहमता ममता होती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ममतास्पद जाके फिर इदमतास्पद हो जाता है। ये चक्र चल रहा है, इदम को मम, मम को अहम, अहम फिर खिसक के मम हो जाता है, मम फिर दूर जा करके इदम हो जाता है। तो हमने केवल संकेत किया कि ब्रह्मा जी समग्र वेदार्थवित हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, लेकिन वहाँ अंतर है कि जब ब्रह्मा जी को हम कार्योपाधिक मानेंगे तब कारण की विद्यमानता रहने पर भी उनकी तादात्म्यापत्ति तो अपनी उपाधि को लेकर होगी, तो उनके लिए वो दुर्गम तत्व हो जाएगा। कौन? कारण। कारण जो है माया भगवती, कारण भगवान की जो उपाधि है वो तो उनके लिए दुर्गम, वो तो माता के स्थान पर आ जाएगी ना। मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यम, वो तो वहाँ पर दुर्गम ब्रह्मा जी के लिए। इसलिए भगवान जो कारणोपाधिक हैं वो तो स्वयं को कारणातीत समझते ही हैं, कारण की उपाधि के योग से स्वयं को कारणातीत समझते हैं, लेकिन उनकी निसर्ग सिद्ध तादात्म्यापत्ति कारण के प्रति। इसलिए वेदों का जब तात्पर्य कार्य ब्रह्म की अपेक्षा कारण ब्रह्म में, कारण ब्रह्म की अपेक्षा कार्य कारणातीत परब्रह्म में, तब वेद के जानकार सबसे उत्तम और सबसे प्रथम कौन से होंगे? भगवान, जो कि कारणोपाधिक हैं। इन सब को खोल के क्यों कहते हैं? आजकल उपासना के प्रति आस्था नहीं रहेगी। कल हमने प्रवचन में कहा था अपने तक पहुंचना ही तो बहुत कठिन है ना, जितनी घाटियां हैं, कर्मेंद्री में दिव्यता है, ज्ञानेंद्री में दिव्यता है, प्राणों में दिव्यता है, एक एक प्राण की सिद्धि कर लेने वाले क्या करते, गोता लगा लेते हैं, समाधि लगा लेते हैं, उड़ जाते हैं। तो हमारा स्वरूप हमारे लिए इतना दुर्गम हो गया कि जहाँ जहाँ तादात्म्यपन्न हो गए शास्त्रीय दृष्टि से, उन सब में जो दिव्यता है उन दिव्यताओं को भी त्वर्जित करने में हजारों दिन, हजारों महीने, वर्ष लग सकते हैं। माने हमारा स्वरूप हमारे लिए ही बहुत दुर्लभ हो गया, अनात्म वस्तु में निकृष्ट कोटि की तादात्म्यापत्ति हो गई। नहीं तो इंद्रिय में संयम करने पर कितनी सिद्धियां आ सकती हैं, मन में तादात्म्यापत्ति होगी तो फिर कितनी सिद्धि होगी, वो तो हिमालय आदि को ही उड़ा देगा। सिद्धों में यही होती है ना, हमसे जितने अवर तत्व हैं उनमें भी जो दिव्यताएं हैं, अगर हम अपने कालुष्य को छोड़कर विचार करें, उन सब दिव्यताओं को अर्जित करने में भी हम पंगु हो गए, फिर उनमें जो सत्ता चित्ता प्रियता हमारी विद्यमानता से है, इस तथ्य के हृदयंगम करने में तो हम कितने सुदूर हो गए। भले ही हमारा गंतव्य हमारा तात्विक स्वरूप ही है, लेकिन हमने असन्मान्यता के द्वारा अपने आप को इतना स्थूल गर्हित बना लिया है कि आज तो इंद्रियों की दिव्यता भी हमारे लिए दुर्लभ है। उस दिव्य तो अंत में यह हुआ कि वेदैश्च सर्वै रहमेव वेद्या वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वेद वेत्ता भी भगवान ही हैं, क्योंकि और कोई नहीं हो सकता, और जो होगा वो कार्योपाधिक होगा। कार्योपाधिक होगा, कार्योपाधिक भी दो प्रकार के होते हैं क्या? एक जो है त्रिवृत और त्रिवृत्कृत, और त्रिवृत्कृत पृथ्वी जल तेजमय तादात्म्यापन्न कौन हो गए? ब्रह्मा जी हो गए या नहीं? अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, जीवेन आत्मनानुप्रविश्य। और त्रिवृत्कृत जो पृथ्वी जल तेज हैं उनमें तादात्म्यापन्न जो ब्रह्मा जी होंगे, वो तो पृथ्वी जल तेज को यूँ और त्रिवृत्कृत। इसी प्रकार अपंचीकृत जो पंचभूत हैं उनमें तादात्म्यापत्ति, वो भी कार्य है ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उनके तारतम्य संघातभूत जो हमको शरीर मिला है, हम तो इसमें तादात्म्यपन्न है, हम आकाश में सीधे तादात्म्यपन्न कहाँ हैं? हमारे आपके जो पांच भौतिक शरीर हैं उनमें आकाश में हमारी तादात्म्यपत्ति सीधे है क्या? वायु में है क्या? तेज में है क्या? जल में है क्या? पृथ्वी में है क्या? इसीलिए एकत्व का चिंतन भी करना चाहिए, लेकिन उपासना का पक्ष छोड़ के नहीं।
आजकल के वेदांती कहते हैं जब हम ब्रह्म ही हो गए तो उपासना क्यों करें, और हुए कहाँ, हुए तब तो ठीक है ना। एक व्यक्ति ने कहा उरिया बाजी महाराज से, महाराज तत्व ज्ञान हो गया अब क्या करें, उन्होंने कहा बेटा शादी कर ले। अब यही बाकी है, जो तत्वज्ञ होगा उसको ये ज्ञान नहीं होगा कि अब क्या करें। उसने कहा महाराज तत्व ज्ञान होगा अब क्या करें, बेटा तू शादी कर ले। फिर एक ने कहा कि बाबा तो भगवान ने जगत बनाए थे, तूने, उन्होंने कहा तेरा दादा ने तेरी नानी ने बनाए, अरे भगवान ने बनाया नहीं तो और किसने बनाया। एक ने उनसे कहा कि कुछ चमत्कार दिखाइए, अंग्रेज था या कोई था दुभाषिया के माध, उन्होंने कहा सूर्य चंद्रमा जैसे सब जिसके चमत्कार हैं उसके सामने हम क्या दिखाएं, ये चमत्कृति देखो, इस चमत्कृति से अगर तुमको संतोष नहीं है तो हम उठ चुटकी बजा के पकौड़ी मंगा देंगे तो उससे तुमको क्या होगा। इसलिए ये बड़ी विजय विडम्बना है, ब्रह्मा जी उपासना करते हैं, देखिए ब्रह्मा जी उपासना करते हैं नहीं, और हम कहते हैं कि हमको उपासना की क्या जरूरत है। तो इसलिए भगवान ने कहा रे भाई वेदों का जानकार तो एक बात मैं ही हूँ, मेरी अनुकंपा से औरों को वेदों का ज्ञान होता है, हम अतद व्यावृत्ति के द्वारा, क्या हमारी सीधी उपाधि माया नहीं है, हमारी सीधी उपाधि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचभूत भी हमारी सीधी उपाधि नहीं है। क्यों, हमारे कर्म और उपासना का बल व वेग ये तारतम्य संघात भूत शरीर में है, इसलिए उनकी उनकी बराबरी हम कैसे कर सकते हैं। तो हम तो तात्विक दृष्टि से एकत्व का चिंतन कर सकते हैं, इसलिए यह सर्वज्ञ सर्वित भगवान क्या है, सामान्य रूप से भी सबको जानते, विशेष रूप से भी सबको जानते। और हम अगर कहेंगे सर्वित भवति माने सर्वम बाधितम भवति, हम सामान्य रूप से ही सबको जान सकते हैं, विशेष रूप से हम आकाश इत्यादि को क्या जानेंगे। भगवान सामान्य रूप से भी सर्वज्ञ हैं, विशेष रूप से भी सर्वज्ञ हैं, भगवान के समान भगवान ही हैं, और निरपाधिक भूमि में एकत्व तो अपने आप में ज्यों के त्यों स्थिर है। हर हर महादेव।